नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज 11 और 12 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चलें दोस्तों, इस समय करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको नहीं मिल पा रही है जो कि बहुत ही जल्द आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये पूरा जो वीडियो होगा वो 11 और 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बेस्ड होगा। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस पूरे वीडियो में रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं और जितना भी करंट अफेयर्स है उसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो सभी लोग जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, वो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं आज के पहले और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत और डेनमार्क के मध्य बिजली सहयोग हेतु समझौता किया गया है। डेनमार्क जो कि आपको पता है दोस्तों यूरोपीय देश है, राजधानी इसकी कॉपेनहेगन और इसकी करेंसी है डेनिश क्रोना। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डेनमार्क की, तो यूरोप की जो मुख्य भूमि है, ध्यान दीजिएगा, यूरोप की जो मुख्य भूमि है तो इस मुख्य भूमि में ऊपरी जो हिस्सा है ये डेनमार्क के साथ लगता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये नॉर्वे और स्वीडन, तो दोस्तों ये बाल्टिक सागर और ये इधर उत्तरी सागर। और दोस्तों आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड पर आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप से डेनमार्क का ही अधिकार है। और दोस्तों ग्रीनलैंड के अगर हम लोग पूर्व की ओर देखें तो एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसका नाम है फरो द्वीप। इसका नाम क्या रखना है, फरो द्वीप। ये दोस्तों क्वेश्चन SSC में पूछा गया सवाल है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। फरो द्वीप जो कि उत्तरी सागर में स्थित है, इसकी स्थिति अगर हम लोग देखें तो फरो द्वीप पर भी डेनमार्क का ही अधिकार है, तो आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जावेद इकबाल वानी जो कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं, तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं, तो आपको पता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो सिफारिश है वो कॉलेजियम के द्वारा की जाती है। कॉलेजियम आपको पता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों का, चार अन्य न्यायाधीशों का एक मुख्य ये पैनल है जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है, और इस सिफारिश के आधार पर फिर भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों जावेद इकबाल वानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए हैं, ये बात हमको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट यानी जिसे शॉर्ट में AIU कहा जाता है, इसके द्वारा गोमती मरिमिथु जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखें गोमती मरिमिथु को, तो ये तमिलनाडु की मध्यम दूरी की धाविका है। चर्चा में इसलिए भी ये रही हैं क्योंकि 2019 में जो दोहा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय धाविका हैं। तो दोस्तों इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है, और प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया है, एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट के द्वारा। और AIU की बात करें अगर हम लोगों दोस्तों, तो हेडक्वार्टर इसका मोनाको में है और अध्यक्ष इसके ब्रेड क्लाथियार हैं, जबकि स्थापना इसकी 2017 में हुई। दोस्तों आपको बताते चलें कि वाडा से अलग ये स्वतंत्र संस्था है जो कि केवल एथलेटिक्स रिलेटेड जो है प्लेयर्स या उनसे संबंधित कार्यों के लिए ये कार्य करती है। तो AIU के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है किसको, गोमती मरिमिथु का, और इनका जो होम स्टेट है याद रखना है तमिलनाडु। 2019 दोहा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अर्पित जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित किया गया है, अर्पित के फुल फॉर्म की बात करें तो एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों ये एक प्रकार का पॉड है जो कि इमरजेंसी हेतु प्रयोग किया जाएगा कि किसी भी लोगों को निकालने के लिए, ये एक भारतीय वायुसेना की सहायतार्थ एक पॉड ये डेवलप किया गया है। दोस्तों वायुसेना की बात करें तो वायुसेना दिवस आपको पता है 8 अक्टूबर को होता है, जबकि प्रमुख हैं इसके RKS भदौरिया। तो प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा, बिल्कुल आराम से समझ लीजिएगा। बोलेगा कि अर्पित जो कि एक पॉड है किसके द्वारा विकसित किया गया, तो हमको किसको याद रखना है, भारतीय वायुसेना को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्लांट हेल्थ क्लिनिक जो कि मणिपुर राज्य की पहल है, और आपको पता है कि मणिपुर राज्य के जो CM है एन बीरेन सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। दोस्तों राज्यपाल यहाँ पर है नजमा हेपतुल्ला, प्लांट हेल्थ क्लिनिक में किया गया जाएगा। दोस्तों ये एक प्लांटेशन प्रोग्राम है जिसकी सहायता से अलग अलग विभिन्न प्रकार के पूरे राज्य में पौधों को लगाने का कार्य किया जाएगा, जो कि संभवतः ये भी पर्यावरण के साथ साथ जो है क्लिनिकली रूप से इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि औषधीय गुण वाले पौधों को भी इसमें रोपा जाएगा, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट ही है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होंगे। और मणिपुर राज्य की बात करें हम लोग दोस्तों, तो नेशनल पार्क यहाँ पर है कायबुल लामजो, जिसको कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, और जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक के अंतर्गत आता है। दोस्तों कायबुल लामजो में थामिन मृग एक प्रजाति रहती है, क्वेश्चन बन चुका है तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी होगा ये।
और दोस्तों तैरने वाली वनस्पतियां यहाँ पर हैं फोमडी, इसके पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग लाइव या फिर रिकॉर्डेड जितना भी है करंट अफेयर्स लगातार अगर देखते हैं तो उनको सारी बातें यहाँ पर क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो कैबुल लामजो याद रखना है दोस्तों। प्रश्न यहाँ पर इसका इस प्रकार से पूछा जा चुका है, चल राष्ट्रीय उद्यान करके भी पूछा जा चुका है, तो दोस्तों यही है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजो। और प्लांट हेल्थ क्लिनिक किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, मणिपुर राज्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसमें भारत 168वां रहा कुल 180 देशों में, यानी 180 देशों की रैंकिंग जारी हुई जिसमें कि भारत 168वां रहा। बताते चलें आपको कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो कि किसी भी देश की पर्यावरण स्थिति को दर्शाता है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस सूचकांक की, तो सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड जो पॉलिसी येल विश्वविद्यालय तथा उसके साथ साथ सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो है डेवलप किया गया, और साथ ही साथ इन दोनों संस्थाओं के द्वारा ये जारी किया जाता है, जो कि प्रिपेयर्ड यानी तैयार किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो यहाँ पर जारी करता और तैयार करना दोनों अलग अलग बातें हैं, तो इसको आप इजिली आप समझ जाइएगा दोस्तों। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या रही, इसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा, खास करके जिनको RRB का पेपर देना है उनको जरूर ये कन्फर्म रखना है। तो 2018 में रैंकिंग क्या थी आप बताइएगा। और दोस्तों 2020 में पहला जो देश है वो डेनमार्क रहा है, भारत 168वां रहा है। ये इतनी सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए पर्याप्त होगी। चलो दोस्तों लगे हाथ यहाँ पर फिर देख लेते हैं 12 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020, जो कि विश्व के लगभग इंपॉर्टेंट जो प्रमुख जो शहर हैं सभी जगह से, तो उनके लिए जारी किया गया, जिसमें टॉप 100 में जगह बनाया किसने, मुंबई ने। और दोस्तों इसका स्थान रहा 60वां, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। ठीक है दोस्तों, मुंबई का 60वां स्थान रहा। और दोस्तों दिल्ली इसमें जो कि टॉप 100 से बाहर है 101वें स्थान पर है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आपको मुंबई का स्थान याद रखना है, कितना रहा है 60वां दुनिया भर के देशों में। दोस्तों मुंबई की बात करें तो संस्थापक है गेराल्ड लंगियार, इसको वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है, कॉटन पॉलिसी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, 7 टापुओं का शहर भी इसको कहते हैं। और दोस्तों मुंबई आपको पता है कि काला घोड़ा स्ट्रीट जो फेस्टिवल है वो मुंबई में ही होता है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं प्रीवियस ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, नए सिरे से यहाँ पर आप फिर भी इसको कन्फर्म रखिएगा दोस्तों। ये जितना भी फैक्ट है और करंट अफेयर्स है ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल ऐसे दोस्तों जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेंगे, इससे आपको समय समय पर PDF जो है वो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नासा का जो विशिष्ट सेवा पदक है उससे रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है, ये एक भारतीय हैं, तो हमको याद रखना है नासा विशिष्ट सेवा पदक यानी नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल जो है वो किसको दिया गया है, रंजीत कुमार को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नॉर्मल से क्वेश्चन है स्थापना और हेडक्वार्टर नासा का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अनन्या जो कि एक जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे है, इसको DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है, और ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है कहाँ दोस्तों, पुणे में है। तो क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पर इतना सा रिलेट कर सकता है कि अनन्या क्या है, तो अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे को नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, विकसित किसके द्वारा किया गया है, DIAT पुणे के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कन्फर्म रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों कॉरोबोट यह भी चर्चा में आया है, जो कि भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है। दोस्तों मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कोरोना डिसीज से प्रभावित लोग हैं तो उनकी सर्विस के लिए इसको लगाया गया है, और हाल ही में क्योंकि ये पुणे के वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया है, तो कल्याण आप जानते हैं महाराष्ट्र में है स्थान कल्याण, वहाँ पर इसको एक हॉस्पिटल में तैनात किया गया है। तो क्वेश्चन इतना सा बन सकता है कि कोरोबोट है क्या, तो हमको याद रखना है कि एक प्रकार का रोबोट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। कोविड बीप एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ तकनीकी यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, देखिएगा एक बार फिर से दोस्तों। कोविड बीप ऐप जो कि आईआईटी हैदराबाद और ESIC के द्वारा विकसित किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा के द्वारा और IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया, कौन सा ऐप, कोविड बीप ऐप। तो क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको बताते चलें दोस्तों कि जितने भी प्रकार के ऐप या सेवाएं या किसी भी प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण इवेंट है वो कोविड को लेकर के जो चर्चा में रहा, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको इसके पहले भी दे चुका हूँ। तो ऐसे मित्र जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लेंगे, उस वीडियो को देखने के साथ ही आपको सारी बातें कन्फर्म हो जाएंगी
जितना भी कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं ऐप को लेकर के, या किसी भी प्रकार का कोई जो इवेंट है उसको लेकर के, या राज्य सरकारों की जो पहल हैं उसको लेकर के, पूरी लिस्टिंग वहाँ पर की गई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी गई थी उसकी। और वीडियो अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, जिससे आपको सब कुछ कन्फर्म हो जाए इससे रिलेटेड ऐप और विभिन्न प्रकार के पहल को। ठीक है दोस्तों, तो कोविड बी पैप हमको इसको याद रखना है, IIT हैदराबाद और ESIC के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ओडिशा कैबिनेट के द्वारा वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया गया है। तो वंदे उत्कल जननी की अगर हम लोग बात करें तो ये किसके द्वारा रचित है? लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा रचित है, ये बात हमको याद रखनी है। ओडिशा की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर, और CM है यहाँ पर नवीन पटनायक, और जबकि गवर्नर है दोस्तों गणेशी लाल। दोस्तों भुवनेश्वर की बात करें तो राजा रानी मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर, और ओडिशा के ही निकट है हरिपुर जहाँ पर 64 योगिनी मंदिर स्थित है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उदयगिरी खंडगिरी जो गुफाएं हैं या पहाड़ियां हैं वो भी भुवनेश्वर के ही निकट स्थित हैं। तो ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों नवीन पटनायक की बात की जा रही तो आपको याद आ गया होगा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, जो कि पेटा इंडिया द्वारा दिया गया था, और कोरोना के दौरान जो भी पशुओं के लिए एक फंड इकट्ठा कर करके उस फंड का जो प्रयोग है असहाय और बेसहारा पशुओं के लिए किया गया, किसके द्वारा? नवीन पटनायक के द्वारा। तो हीरो आपको याद रखना, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड जो कि पेटा इंडिया का है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पर बात की जा रही तो इससे रिलेटेड फैक्ट जो है वो आपको जरूर याद रखना है, नवीन पटनायक को दिया गया। और दोस्तों मोस्ट पॉपुलर CM की कैटेगरी में भी आपको पता है फर्स्ट पोजीशन पर अभी रिसेंटली रैंकिंग आई थी, नवीन पटनायक को वहाँ पर स्थान दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा एक बार यहाँ पर आप कमेंट करिएगा नवीन पटनायक की किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये RRB ओरिएंटेड क्वेश्चन है। दोस्तों नवीन पटनायक किस पार्टी से रिलेटेड है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अब करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहले तो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे आपको जो दिए गए थे तो उससे जो आंसर है वो काफ़ी दोस्तों के सही हैं, तो पिछले वीडियो में उसका जो आंसर है वो पिन कर दिया है मैंने, एक बार फिर से हम डिस्कस कर दे रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था, तो आपको पता है महिलाओं में लालरेम सियामी को चुना गया था, जबकि पुरुषों में विवेक सागर प्रसाद को चुना गया था। दोस्तों ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला जो भारतीय शहर है, दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर था, तो राजकोट उसका राइट आंसर है। और बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 जो है वो रामचंडी बीच जो कि पुरी में है वहाँ पर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2020 का विषय, तो रेडियो एंड डाइवर्सिटी, वो भी आपका आंसर सही है। और राष्ट्रीय जल सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ था, तो ये पिछले क्वेश्चन के आंसर थे। चलो दोस्तों देख लेते हैं आज के जुड़े हुए जो सवाल हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको बताते चलें, ऐसे दोस्त जो बाद में वीडियो को देख रहे हों तो महत्वपूर्ण जानकारी उनको ये दे दें कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग रिलेटेड जो फरवरी मंथ यानी मंथ एक के अकॉर्डिंग जो हाईलाइटेड करंट अफेयर्स हैं उनको क्वेश्चन में चर्चा में कर रहे हैं। तो अभी जनवरी समाप्त हुआ है और फरवरी में लगभग मिड फरवरी तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों पहला सवाल यहाँ पर है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम क्या कर दिया गया, जो कि अभी आपको पता है 12 to 13 फरवरी के आसपास ये चर्चा में था। तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम क्या किया गया ये आपको बताना है। COP26 के अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया था, ब्रिटेन के द्वारा इसको अध्यक्ष बनाया गया, तो आपको याद रखना है COP26 का अध्यक्ष किसे बनाया गया ये आपको कमेंट करना है। दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 जो आप काफ़ी चर्चा में भी था, और राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता होगा सरोजिनी नायडू से रिलेट करता हुआ, तो कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करना है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम ये पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी ये आपको कमेंट करना है। और इसके साथ साथ पहले सेफ्टी अभियान सेफ्टी फर्स्ट ये अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है ये भी आपको आंसर करना है। तो दोस्तों ये रहे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग 11 जून के भी करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर से आपसे बताते चलें कि PDF इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, वहाँ पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।